हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। आज हम बनाने जा रहे हैं चेंगो माछ मुंडो छेंचड़ा। तो लोकलिटी में इसे चेंगल माछ ही बोलते हैं, मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं। तो चलिए इसकी विधि पहले शुरू करते हैं। अगर आप इस मछली को एक बार खाएंगे ना तो आप चिकन को भी भूल जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए मैं इसकी रेसिपी आपको बताती हूँ। पहले हम कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून सरसों का तेल लेंगे। उसके बाद हम जो अदरक लहसुन और जीरा और प्याज का जो पेस्ट था उसे हम दे देंगे। याद रखिएगा, इसे हम ऑयल में फ्राई नहीं करने वाले हैं, हम इसे डायरेक्ट कढ़ाई में ही देने वाले हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से हम बना रहे हैं। और हमने आधा ही टमाटो दिया हुआ है, आप चाहें तो एक ही टमाटो दे दीजिए। और फिर हम इसे इसी तरह से कसा करेंगे। मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, पर उड़िया में तो कसा ही बोलते हैं। तो इसे इसी तरह से करछी के मदद से हम चलाते जाएंगे। और आप देख सकते हैं मैं इसे किस तरह से कूट रही हूँ, ताकि जो मछली होती है वो अच्छी तरह से पक जाए और इसके अंदर पूरी तरह से मसाले भर जाए। आप देख सकते हैं मछली के नामो निशान भी नहीं है, क्योंकि इसे ऐसे ही पकाते हैं, इसलिए इसे ऐसे ही बोलते हैं कि चेंगो माछ मुंडो छेंचड़ा। तो जो आप देख सकते हैं ये तैयार हो चुका है, और उसके ऊपर मैंने मेथी के पत्ते दे दिए हैं। तो ये रही मेरी दावत की थाली। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। और ये इसे खा के ना